सो हे गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज अपन लोग बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन ईवी से रिलेटेड। ये गाड़ी मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। रीज़न क्या है, एक तो ये टाटा कंपनी की गाड़ी है, यानी कि एक अपनी इंडियन ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद में ये बजट ओरिएंटेड कार होने वाली है, जो इसके डायरेक्ट राइवल है ह्यूंडई कोना एंड MG ZS EV, जिसकी लॉन्च इवेंट पे मैं गया था, उसकी वीडियो वगैरह बताई थी, वॉक अराउंड वीडियो करा था। सभी चीज़ें अगर आप लोगों को देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। पर यहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी कम होगी जो गाड़ियाँ अभी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि ह्यूंडई कोना ऑलमोस्ट आपको 23 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ती है ऑन रोड, तो वो भी उसकी प्राइस जो है कम हो गई थी। अभी जब लॉन्च हुई थी तब तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 25-26 लाख रुपीस के आसपास थी। लॉन्च होने के बाद में टैक्स में जो है कुछ ना कुछ कटिंग हुई और उसकी वजह से उसकी प्राइस ड्रॉप हो गई थी। अगर अभी MG ZS EV की बात करें तो उसकी भी प्राइस आना बाकी है, पर कहीं ना कहीं प्राइस ऐसा ही माना जा रहा है कि 20 लाख रुपए के आसपास होगी। वहीं नेक्सॉन की प्राइस अराउंड 15 लाख रुपीस के आसपास ही होने वाली है। तो इस सेगमेंट में तो बहुत सारे लोग गाड़ियां परचेस करते ही हैं और मेट्रोज में इन गाड़ियों को जो है अभी चलन बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर उसके बाद में छोटी सिटीज के अंदर जो है कंपनीज गाड़ी को लॉन्च करेंगे। नेक्सॉन भी जो है टाटा अभी जब लॉन्च करेगा तो पुणे, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, इन सभी सिटीज में आएगी। उसके बाद में जो है दूसरी सिटीज में लॉन्च होगी, डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर जो डिटेल्स अपने पास में है उनमें से सबसे पहले अगर एक्सटीरियर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको नया फ्रंट जो है रीडिजाइन बम्पर मिलता है, फॉग लैंप असेंबली पूरी नहीं मिलेगी। ये कंपेयर कर रहे हैं अपन ओल्ड जो प्रीवियस जनरेशन नेक्सॉन जो अभी अपन यूज कर रहे हैं उससे, साथ ही साथ फॉग लैंप असेंबली नहीं मिलेगी। इसके अंदर जो नया हेडलैम्प है वो भी यूनिट काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। LED DRL उनके अंदर जो है दूर से ही विजिबल हो जाएंगे, उस टाइप से दिए हुए हैं। और साथ ही जो नया ग्रिल इस गाड़ी के अंदर आएगा वो कहीं ना कहीं हैरियर से लिया गया है, या कहीं ना कहीं जो है मैचअप खाएगा जो टाटा हैरियर है उससे, और पहले वाली जो ग्रिल आती है उससे शॉर्ट रहने वाला है। जो बोनेट है वो भी रीडिजाइन किया गया है। गाड़ी का जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें इतने ज्यादा चेंज नहीं किए गए हैं, जो टेल लैंप है उनको नया डिजाइन जो है दे दिया जाएगा, दैट्स ऑल। बाकी पूरी गाड़ी एक्सटीरियर से सिमिलर होने वाली है। अंदर की साइड अगर बात की जाए तो यहाँ पर गाड़ी का जो कॉस्मेटिक जो है वो अपडेट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा नया मिल जाएगा, लेदरी फिनिश जो है आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा, और सनरूफ का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर दिया जा सकता है। साथ ही इंडियन मार्केट में पहली ऐसी ईवी होगी जिसके अंदर वेरियंट होंगे। अभी तक ह्यूंडई कोना में अपन ने कोई वेरिएंट नहीं देखा, ना ही अगर अपन MG ZS EV की बात करें तो उसमें कोई जो है वेरिएंट नहीं देखा, पर टाटा नेक्सॉन ईवी के अंदर 2-3 वेरिएंट जो है रखने वाले हैं। बस अभी ये कंफर्म हुआ है कि एक से ज्यादा वेरिएंट इस गाड़ी के अंदर आएंगे, दैट्स ऑल। बाकी अपडेट्स आप लोगों के साथ में स्टोरीज में इंस्टाग्राम पर शेयर करता रहूंगा, या यूट्यूब की स्टोरी पर या कम्युनिटी टैब पर आपको जो है अपडेट्स देखने को मिलती जाएगी। साथ ही अगर बात करें इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर आपको जो है परमानेंट मैग्नेट AC मोटर मिलेगी जो कि रेंज प्रोवाइड करेगी, बैटरी से लिथियम आयन बैटरी होने वाली, IP67 रेटिंग होगी, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस होगी गाड़ी। इसके अंदर आपको 250 से 300 किलोमीटर की रेंज जो है टोटल मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है। अगर एक 15 लाख रुपए में आपको SUV मिल रही है, इलेक्ट्रिक SUV मिल रही है, साथ ही एक चीज़ और, इस गाड़ी के अंदर आपको बैटरी की 8 ईयर्स की यानी कि 8 साल की वारंटी मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है अपने आप में ही। एक गाड़ी को अगर आप लेते हैं, बैटरी ही उसकी मेन कंपोनेंट है, जो कि सबसे कॉस्टली चीज़ होती है एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर, चाहे आप स्कूटर ले, बाइक ले, या इलेक्ट्रिक कार ले, SUV ले, उसके अंदर आपको 8 साल की वारंटी मिल रही है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो 8 साल तो आपके सेफ है, बाकी दूसरे जो मेंटेनेंस है वो इतने ज़्यादा आते नहीं इलेक्ट्रॉनिक कार्स में, तो काफ़ी चीप कॉस्ट पे आप एक अच्छी 4-व्हीलर जो है रन कर पाएंगे। बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो है आपको सेम जो पेट्रोल एंड डीजल के अंदर 5-स्टार रेटिंग आ रही है, उस टाइप की ही बिल्ड क्वालिटी इसके अंदर भी आपको जो है देखने को मिलेगी। केबिन जो है बहुत अच्छा होने वाला है, दैट्स ऑल। बाकी सभी अपडेट्स जो है आप लोगों को 19th of December को देने वाला हूँ मैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पर मार्क कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो रिवील करूं आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाए और उसी दिन आप लोगों को सभी अपडेट्स जो हैं देखने को मिल जाए। साथ ही इंस्टा स्टोरी पे सभी लाइव अपडेट शेयर करूंगा, तो मेक श्योर इंस्टा पे ज्वाइन हो जाएं, अभी नीचे जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी वहां पर जाके ज्वाइन हो जाओ, ताकि सभी अपडेट्स ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड स्टोरी में आप लोग देख लें। तो बस ये है आज की वीडियो, आई होप छोटी सी समरी के अंदर जो ये मैंने वीडियो आप लोगों को बताई है अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और आगे भी जो अपकमिंग कार्स, बाइक, स्कूटर्स के ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है, किसके ऊपर देखनी है नीचे कमेंट करके बताओ, इंस्टा पे FB पे मैसेज करके बताओ, हो सकता है विदिन 7 डेज एक वीडियो आपने जो मुझे नीचे कमेंट में या मैसेज में बताई है वो मैं शेड्यूल कर दूं और आपकी डिमांड वाली वीडियो जो है आप इस चैनल के ऊपर देख पाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, फ्रेंड्स ड्राइव सेफ।